आपने ताड़ का पेड़ तो बहुतों देखा होगा, लेकिन आज तक शायद ऐसा नहीं हुआ होगा कि आपने किसी ऐसे पेड़ को देखा हो जिसमें डाली हो। लेकिन आप सामने देख सकते हैं, आज हम आपको एक ऐसे पेड़ की दर्शन करवाने वाले हैं जो कि ताड़ का तो है ही, साथ में एक साथ एक पेड़ में करीब 45 डालियां है, जिसका सीधा तस्वीर आप देख सकते हैं। सामने जो ताड़ का पेड़ है, ये ताड़ बेहद ही चमत्कारी और कल्याणकारी पेड़ है, क्योंकि पूरे विश्व में लगभग ऐसे बहुत ही कम, मेरे जानकारी के अनुसार 3-4 ही ऐसे ताड़ के पेड़ है जिस पेड़ में डाली पाया गया हो। आप देख सकते हैं कि यह ताड़ का पेड़ है, पत्ता देख करके आपको अंदाजा लग गया होगा कि सच में यह ताड़ का ही पेड़ है। और एक डाली का अगर बात करिए तो काउंट किया जाए तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ऐसे करके इस एक पेड़ में जो है करीब 45 डालियां हैं। और जान करके हैरानी इस बात को होगी कि ये जो सामने पेड़ है ये ताड़ का पेड़ है, बाकी यह जुबा पेड़ चमत्कारी पेड़ यहाँ पे आया कैसे, किसने इस पेड़ को लगाया जो चमत्कारी पेड़ निकल गया। और यहाँ पे बहुत सारे वनस्पति विज्ञान के लोग भी जो है, यहाँ पे एग्रीकल्चर से जुड़े बहुत सारे लोग जो है रिसर्च करने के लिए आए हैं, इस पे भी हम बताएंगे। बाकी ये भाई साहब हमारे सामने मौजूद है जिनके परिवार के लोगों के द्वारा, इनके पूर्वजों के द्वारा जो है इस पेड़ को लगाया गया था, इनसे जानकारी जुटाते हैं। क्या नाम है आपका? मनीष कुमार। अच्छा मनीष भैया, इस तरह के पेड़ के बारे में इससे पहले कभी सुने थे आप? ना सुने हैं ना देखे हैं। ना सुने हैं ना देखे हैं जी। अच्छा ये जो पेड़ है आपके दरवाजे पे ही है, इससे पेड़ को किसने लगाया था? ऐसा हम लोग को जन्म से पहले से ही पेड़ है, सुन रहे कि दादाजी लगाए थे कहीं से ला के, और कहाँ से लाए कैसे लगाए वो पता नहीं है, लेकिन हम लोग को जन्म से बहुत पहले से ही पेड़ है। बहुत पहले से पेड़ है। करीब कितना साल हो गया इस पेड़ को लगाए हुए? लमसम 50-60 साल से ऊपर हो गया होगा। 50-60 साल पुराना ये ताड़ का पेड़ है। जी, जी। अच्छा जिस समय आपके दादाजी इस पेड़ को लगाए थे उसके बाद इसके विकास में क्या कुछ कहानी हुआ था, दादाजी आपको बताए होंगे कैसे कैसे ये पेड़ विकसित हुआ था? हाँ ऐसे बताए नहीं थे लेकिन सुने हैं कि पेड़ लगा दिए, उसके बाद जब इसमें थोड़ा बड़ा हुआ ना उसमें टहनी निकलने लगा। कई गो टहनी निकला? 2 टहनी निकला था। तो उन लोगों को लगा कुछ कोई चीज का पेड़ होगा, फिर धीरे धीरे बढ़ते गया उसका तार के जैसा होने लगा। और कितने टहनी हो गया? इसमें 45 टहनी हो गया, जिसमें से कुछ टहनी टूट गया, उधर रोड साइड से भी टूट गया और इधर से भी टूट गया कुछ टहनी। बहुत पुराना पेड़ है। इसमें एक बार पूसा एग्रीकल्चर से कुछ वैज्ञानिक लोग आए थे तो इसका रिसर्च करने के लिए बीज उज ले गए थे, बोले कि तो उधर जहाँ जिस मिट्टी में साल्ट का मात्रा होता है वहाँ होता है, यहाँ कैसे हो गया, तो रिसर्च के लिए ले गए थे। उसके बाद फिर वो लोग भी नहीं आए, यहाँ सरकारी विभाग से कुछ स्प्रेयर हुआ था और स्प्रे दवाई वाई का छिड़काव किए थे तो उसके बाद सूखने लगा था ये पेड़। सूखने के बाद फिर हम लोग मना करवा दिए, उसके बाद फिर कोई आदमी देखने भी नहीं आए। उसके बाद हम लोग अपने से पानी उनी उसमें डाले, मिट्टी उट्टी, फिर उसके बाद ठीक ठाक है, ठीक ठाक हो गया जी। अच्छा इस पेड़ को देखने के लिए शायद बहुत दूर 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 से लोग भी आते होंगे? हाँ बहुत लोग आए हैं, बहुत मीडिया। हम लोग चंपारण से आए हैं केवल इस पेड़ को देखने के लिए, इसका वीडियो करने के लिए जी। ऐसे बहुत मीडिया वाले पहले भी आए थे। अच्छा पहले भी आते हैं। अच्छा इस तरह का पेड़ आप लोगों भी तो रिसर्च किए होंगे कि आपके परिवार के आपके दादाजी इस पेड़ को लगाए थे, इस तरह के पेड़ भारत में कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? भारत में तो मेरे ख्याल से कहीं नहीं पाया जाता है। केवल आप ही के यहाँ है, ये इकलौता एक पेड़ है? हाँ, हम लोग तो यही देख रहे हैं। यानी कुल मिलाकर के पूरे भारत में इकलौता एक ऐसा ताड़ का पेड़ आपके दरवाजे पे है जिसमें 45 डालियां हैं। जी, जी। डाली वाला पेड़ आप ही के पास मौजूद है। अच्छा जो लोग रिसर्च करने के लिए आए थे वो लोग रिसर्च किए तो कुछ इस बारे में बताए कि नहीं बताए? वो लोग कुछ नहीं बताए थे, सिर्फ इतना बताए थे कि जिस मिट्टी में साल्ट का मात्रा होता है वहाँ ये पेड़ होने वाला है, समुद्र के किनारे, यहाँ कैसे हो गया, तो बीज ले गए थे रिसर्च के लिए, फिर उसके बाद वो लोग फिर आए नहीं। अच्छा इस पे फल भी लगा हुआ है, वीडियो में आप देख सकते हैं फल भी है और बाल भी है दोनों। अच्छा फल जो लगा हुआ उस फल का क्या होता है? फल में कुछ होता नहीं, उसको काटने के बाद पानी निकलता है, नारियल के स्वाद, नारियल का पानी होता है उस टाइप से निकलता है, खाया जाता है उसको। हाँ पी लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, नारियल की तरह लगता है। और बाकी इसका और चीजों का क्या क्या होता है? और कुछ नहीं होता है, बाकी ऐसे ही, बस ऐसे ही है। अच्छा इसको क्या माना जाए, प्रकृति का एक तरह से चमत्कार ही माना जाएगा इसको? बिल्कुल प्रकृति का चमत्कार ही है। अब चमत्कार नहीं होता तो इस गांव में और हो जाता, और हो जाता, और भारत तो, इसका फल तो हो रहा है। और जगह हो जाने यहाँ तो और हो जाता, लेकिन यहाँ एक ही पेड़ है, कोशिश भी की है कई जगह लगाने का लेकिन नहीं हो पाया, नहीं हो पाया नहीं। इसके बाद दोबारा कभी हुआ ही नहीं, हुआ ही। ये पहला पेड़ है जिसमें 45 डाली है। अच्छा बाकी इस पेड़ को देखने के लिए लोग आते हैं, यहाँ पे महिलाएं पूजा पाठ भी करती है? आते हैं, जिनकी इच्छा होता है पूजा करते हैं, जिनको नहीं होता नहीं भी करते हैं। जो लोग समझते हैं कि भगवान का चमत्कार है वो लोग पूजा भी देते हैं, नहीं तो नहीं भी करते। बाकी आस्था भी तो जुड़ा हुआ है? आस्था तो बिल्कुल जुड़ा हुआ है, मंदिर के पास ही हुआ है, अलग तो हुआ भी नहीं। हम लोग अलग रोकने का कोशिश भी की लेकिन नहीं हो पाया, दूसरा लगाए भी, शायद उसमें भी डाली लिखी, लेकिन आसपास भी लगाए थे, आसपास इधर भी लगाए थे, अलग अलग भी लगा के देखे लेकिन कहीं हुआ नहीं, कहीं कुछ नहीं हुआ, बस जो यही होके रह गया। बाकी बाकी हमारे साथ मनीष भाई थे जिनके दादाजी इस पेड़ को लगाए हुए थे,
बाकी इस पूरे पेड़ की कहानी को जो ये बता रहे थे, थोड़ा सा आ गया मनीष भैया, थोड़ा सा आप भी आइए और यहाँ से एक बार तस्वीर को हम चाहेंगे कि दिखाइए। शुरू शुरू में जब इस पेड़ को आपके दादाजी लगाए थे तो इसमें से कितने डाली निकली थी? इसमें से दो डाली ही निकली, दो, ये जो दोनों पेड़ जो दिखाई दे रहा है गड्ढा में था ये पेड़, मिट्टी भरा है इसलिए थोड़ा सा अब लग रहा है डबल डाली, डबल पेड़ लग रहा है, लेकिन डाली ही है दोनों, दोनों डाली है, एक ही पेड़ से पहले दो डाली निकला, उसके बाद एक एक करके कितने डाली होगा इसमें? 45 हो गया, 45 डाली हो गए, पहले दो डाली निकला नीचे से और टोटल गिनी 45 डाली पूरी जाता, टोटल 45 डाली, इसमें से कुछ टूट भी गया, टूट गया इधर और उधर भी टूट गया जी। इस तरह की कहानी है इस पेड़ की जी। बाकी मुझे लगा कि इस चमत्कारी पेड़ के बारे में आपको बताना चाहिए था, इसलिए मैं बता रहा था। इस पूरी वीडियो को देखकर के आपका जो भी विचार होगा बताइएगा जरूर, हम आपके प्रतिक्रिया का इंतजार करेंगे। जय हिंद।